दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा और आखिरी एक दिवसीय मुकाबला अब शुरू हो चुका है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ शिखर धवन कैरेबियाई टीम से टक्कर लेने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। इस मुकाबले की बेहद खतरनाक हाइलाइट्स क्या है, टीम इंडिया की तरफ से किसने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की ताबड़तोड़ पिटाई की और कैसा रहा अब तक का भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, उसे जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा में से बेहतरीन कप्तान कौन है? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे पर है, जहां भारतीय टीम का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। अब तक खेले गए त्रिनिदाद के मैदान पर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया। वेस्ट इंडीज की टीम ने हमें कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो हमसे जीत नहीं पाए। पहले मुकाबले में जहां मोहम्मद सिराज ने आखिरी ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर हमारी टीम को जीत दिलाई, तो वहीं दूसरी मुकाबले में हमें एक नया हीरो देखने को मिला, जहां अक्षर पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाते हुए छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई है और कप्तान शिखर धवन ने अब तक टीम इंडिया का शानदार तरीके से नेतृत्व किया है। उनकी कप्तानी में सभी खिलाड़ियों ने भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारी टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीन मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला पहले ही जीत ली है और अब भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा और आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह मुकाबला ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। जिस तरीके से शिखर धवन की सेना ने अब तक एक दिवसीय श्रृंखला में अपना खेल दिखाया है, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि आखिरी मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा ही भारी रहने वाला है। वैसे भी वेस्ट इंडीज से भारत की बी टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है, जिसमें सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, कप्तान शिखर धवन, अक्षर पटेल, संजू सैमसन से लेकर शुभमन गिल ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। और दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आखिरी मुकाबला बेहद ही हाई वोल्टेज होने की उम्मीद है, क्योंकि आखिरी मुकाबले में सम्मान की लड़ाई के लिए कैरेबियाई टीम भी हमसे टक्कर लेती हुई नजर आएगी और वो पूरी ताकत के साथ खेलेंगे। और वहीं भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन भी अपने आखिरी मुकाबले में जीत के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि वो कप्तान के तौर पर एक नया मुकाम हासिल करना चाहेंगे। इस बेहद ही हाई वोल्टेज मुकाबला का मजा आप फैन कोर्ट के एप्लीकेशन पर लाइव उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर हिंदी कॉमेंट्री के साथ भी देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, आपको फैन कोर्ट का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन डीडी स्पोर्ट्स के चैनल पर आप इसे फ्री देख सकते हैं। वहीं अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले शुभमन गिल को आखिरी मुकाबले में आराम मिल सकता है और उनकी जगह ईशान किशन या ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं मिडिल ऑर्डर में हमें ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, वहां सूर्य कुमार यादव के साथ दीपक हुड्डा और संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। ऑलराउंडर की भूमिका में अक्षर पटेल के साथ दीपक हुड्डा और शार्दुल ठाकुर ये जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही गेंदबाजी की जिम्मेदारी यजुवेंद्र चहल के साथ मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह निभाते हुए नजर आएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, आखिरी मुकाबले में कप्तान धवन आवेश खान की जगह अर्शदीप सिंह को मौका दे सकते हैं। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर अर्शदीप सिंह को पहले T20 मुकाबले में मौका मिला था, जहां उन्होंने शानदार खेल दिखाया था और अब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरी मुकाबले में भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी शतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाएगा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।